हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल GSM। तो आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे भाई बहुत ही रिटर्न स्वागत है। तो आज मेरा जो टॉपिक है चार्जिंग के बारे में ही है, क्योंकि आजकल चार्जिंग का प्रॉब्लम भी ज़्यादा आता है। तो जो न्यू रिपेयरमैन है, न्यू टेक्नीशियन है, शायद वो टेक्नीशियन मतलब न्यू शॉप एक्सरीज वगैरह का काम करते हैं और चार्जिंग पिन वगैरह जैक वगैरह का छोटा मोटा काम भी करते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ मैं आज। उसके लिए क्या है, आजकल एक चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो चार्जिंग इनपुट करने पे भी चार्जिंग होता नहीं है, तो उनको डायरेक्ट लगता है चार्जिंग आईसी पावर आईसी पे काम करना, हीटिंग करना चालू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप हमें चेक करना है मल्टीमीटर से। तो फर्स्ट हमें देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा चार्जिंग जैक से जो लाइन होती है वी बस डेटा निगेटिव डेटा पॉजिटिव NC और GR सॉरी ग्राउंड GND, तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। ये हमारा जो मेन होता है ये 5.1 होता है, मेन तो सभी होते हैं, देखो मेन ए भी होता है। ये हमारा डेटा नेगेटिव, ये हमारा कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो चार्जिंग नहीं होगा प्रॉपर। डेटा पॉजिटिव ये कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, सी टाइप में भी और सब में एक सेम ही होता है ये कनेक्शन। तो ये हमारा चार्जिंग ना होने का कभी कभी कारण होता है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले। पहले हम आप ड्राइंग कर लेते हैं। ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे डायोड भी होंगे, डायोड कैपेसिटर बहुत सारे लगे होंगे, तो अभी हम शॉर्टकट में बताने वाले आपको। तो यहाँ से फर्स्ट हमारा जो कनेक्शन जाता है वो एक OVP IC में जाता है, इसे हम ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग के जरिए आपको बताते हैं। OVP IC 6 बोल का भी आता है, 8 बोल का भी आता है। और 12 बोल का भी आता है, सॉरी। तो अभी हम बना लेते हैं ये 12 बोल का, ठीक है। 12 बोल का हमने OVP IC बना लिया। चलो यहाँ पे नाम दे देते हैं OVP, ठीक है। ये हमारा OVP IC हो गया, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट कनेक्शन यहाँ से इनपुट करने के बाद हमें पहले कैपेसिटर पे 5 वोल्ट मिलना बहुत ही कंपलसरी है। यहाँ अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो 100% जैक का प्रॉब्लम है, इसको चेंज करो। यहाँ कोई ट्रैक ओपन है उसको चेक करो आप। तो यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है, तो उसके आगे का प्रोसेस हमें ये है कि ये हमारा OVP IC जो है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ भी एक कैपेसिटर है जो एक तरफ GR किया ग्राउंड किया हुआ है, तो ये मेन प्रोसेस है। तो ये हमारा जो वी बस है ये डायरेक्ट यहाँ आता है, ठीक है। OVP IC का मेन आज मुद्दा है, OVP IC का काम क्या है। तो OVP IC का काम ये है, इसका मतलब ही आप है समझ जाओ, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यहाँ से वोल्टेज हाई हो गया, एम्पियर हाई हो गया, तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे पूरे फोन को, क्योंकि ये एक तरह से यहाँ पे फ्यूज लगा होता है हाई एम्पियर को बचाने के लिए, ठीक है। ये एक तरह से एक फ्यूज हो गया, ठीक है। हम चलो फ्यूज को F नाम दे देते हैं। तो ये हमारा फ्यूज हो गया, तो हम जब भी यहाँ से करंट प्लग करेंगे पहले हमारा हाई वोल्टेज या कुछ प्रॉब्लम से अगर फ्यूज खराब हो जाता है तो आगे की सप्लाई रुक जाएगी। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ 5 वोल्ट चेक करना होता है चार्जिंग इनपुट करने के बाद। उसके बाद हमें इस OVP IC के दूसरे तरफ कैपेसिटर दिखेगा, तो यहाँ भी हमें चेक करना पड़ेगा वोल्टेज 5.1। ये वोल्टेज अगर नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है आगे के प्रोसेस में आपको इजी बताता हूँ। तो यहाँ से जो हमारा ये कनेक्शन जाता है हमारा DC to DC चार्जिंग IC पावर IC जो भी है वहाँ हमारा चले जाता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे पावर IC ले लेते हैं, इसको मान लीजिए एक तरह से सेकेंडरी लाइन यहाँ से, फिर उसके बाद पूरी मोबाइल में पावर सप्लाई होती है। तो इसके लिए ये अभी यहाँ पे सिक्योरिटी देना काफ़ी जरूरी है, हाई वोल्टेज की वजह से डायरेक्ट आपका फ़ोन डैमेज ना हो, CPU खराब ना हो, MMC खराब ना हो, इसके लिए ये प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है आजकल के मोबाइल में। तो पहले क्या होता था नोकिया के फोन्स में मैं आपको दिखाता हूँ, या बहुत सारे फ़ोनों में इस तरह से कनेक्शन होता था। ये जो हमारा 5 वोल्ट है ये डायोड होते हुए कुछ यहाँ पे एक फ्यूज दिया रहता था, आप कभी भी याद हो ना, ये फ्यूज खराब होता था तो नोकिया चार्जिंग नहीं होती थी। तो नोकिया के टाइप पे एक छोटा सा बस एक फ्यूज दे दिया जाता था रेजिस्टेंट की तरह, उसके बाद हमारा प्रोसेस होते हुए नोकिया हमारा ये पूरी IC पे चली जाती थी नोकिया की, जो कि PNP टाइप ट्रांजिस्टर टाइप IC होती थी,
आपने नोकिया के फ़ोन रिपेयर किया होगा तो इस तरह का, इसका बारे में डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग देख लेना। तो अभी ये डीपली नहीं जाना, अभी मैं यहाँ पे स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी ये सब तो ओल्ड हो गया, बहुत कम ही आने वाला है। तो यहाँ पे आपने 5 वोल्ट चेंज किया, चेक किया 5 वोल्ट के बाद हमें ऊपर चेक करना है 5 वोल्ट। पहले हमें कूल टेस्ट भी कर लेते हैं, प्लग निकालेंगे, कूल टेस्ट पहले हम शॉर्टिंग चेंज करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कुछ शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। शॉर्टिंग वगैरह है तो फिर शॉर्ट किलर के लिए आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट किलर कैसे बनाते हैं और शॉर्ट को रिमूव कैसे करते हैं चुटकियों में आप देख सकते हैं, देख लेना अभी वीडियो मेरे चैनल पे है। तो आप यहाँ के बाद प्रोसेस, जब यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा, यहाँ वोल्टेज हमें मिल रहा है, तो उसके बाद मतलब हमारा ये OP ख़राब है, तो हमें OP को निकाल देना है और उसके बाद नया OP IC अगर है तो लगा देना है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सीधा यहाँ ये बॉल यहाँ पे जम कर देना है, ठीक है, ये शॉर्ट कर देना है। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप पे शॉर्ट करना, आपकी स्किल अच्छी है तो शॉर्ट करना, वायर से शॉर्ट करना, डायरेक्ट सोल्डरिंग मत लगाना, मोटा मत करना, इतना पतला रखना कि हाई एम्पीयर पे फिर से वो वायर डिस्कनेक्ट हो जाए। तो हमें शॉर्ट करना है, डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये बाईपास हो गया तो हमारा कनेक्शन फिर से यहाँ से जाने लगा, तो उसके बाद हमारा फिर से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सेफ्टी कम हो जाती है। पावर IC अगर कभी हाई हुआ तो वोल्टेज डैमेज हो, इसलिए हमें वायर जीरो जो वायर होता है अपना जंपर वायर, उसे डबल करके या सिंगल में ही लगा देना है, उससे ज़्यादा डायरेक्ट सोल्डिंग नहीं करना है। तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा एकदम। मैंने कई फ़ोनों में ऐसा कर चुका है, खासकर ओप्पो के फ़ोन में ज़्यादा प्रॉब्लम देता है OP IC का, और जियो के फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम आता है। आपको पता है जियो के फ़ोन में भी OP IC होता है, बहुत लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। तो ये OP IC वहाँ पे आप चेक कर लेना, OP IC चेक करने के बाद आप ये बाईपास कर देना, आप कोई भी मोबाइल चार्जिंग प्रॉब्लम आने दो, आप इजी सॉल्व कर लोगे। और जियो के प्रॉब्लम में एक और है कि जो नए टेक्नीशियन हैं, जियो का ट्रैक ओपन हो जाता है तो वो क्या करते हैं, हाई पॉइंट और ग्राउंड इसको जम करके बस दे देते हैं, और ये डेटा माइनस और पॉजिटिव ही नहीं लगाते हैं। कस्टमर आता है 0.3 एम्पीयर से वो चार्ज होता है, दिन भर लगाएंगे, रात भर लगाएंगे तो भी बैटरी फुल नहीं होती है, और टेक्नीशियन बोलते हैं भाई बाहर ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है, देखो टेक्नीशियन ये बात ध्यान रखो, आप जो नए टेक्नीशियन हो, डेटा माइनस और डेटा पॉजिटिव ये आपको जरूर चेक करना है, ये सप्लाई शॉर्ट नहीं है क्या नहीं है, ये आपका प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो फिर चार्जिंग प्रॉब्लम करेगा, चार्जिंग स्लो होगा, फेक चार्जिंग होगा, ठीक है। तो आपको ये सप्लाई जरूर चेक करना है, जरूर से जरूर। ये सब बातें कोई इतनी डिटेल में नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको YouTube में बता रहा हूँ एकदम फ्री, उसके बदले बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना है, बस इतना ही चाहता हूँ। ना ही मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, ना मैं कोई इंस्टीट्यूट चलाना चाहता हूँ, बस मैं वीडियोस बनाता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है YouTube पे वीडियो बनाना। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं पार्ट टाइम अभी कैब ड्राइविंग भी करता हूँ, उस वीडियो को भी आप कभी कभार देख लिया करो। तो चलिए चलते हैं, और पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट टाइम कुछ और नेटवर्क सेक्शन वगैरह के बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो जनता लाल को काला बनता।